हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने इतिहास जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 9वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा G.B. कृपलानी। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो आपको याद रखना है, हुआ था 1930 ईस्वी में। अगला सवाल है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो आपका उत्तर होगा शिक्षा से। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो आपका उत्तर होगा वेलेस्ली ने। अगला सवाल है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा पर। अगला सवाल है कि किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने। अगला सवाल है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो आपका उत्तर होगा भारतीय दलित वर्ग का। अगला सवाल है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो आपका उत्तर होगा सूर्य सेन ने। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी से। अगला सवाल है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो आपका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला सवाल है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो आपका उत्तर होगा सरदार पटेल। अगला सवाल है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है, वो थे के रामकृष्ण पिल्ले। अगला सवाल है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था लॉर्ड रिपन ने। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आपका उत्तर होगा शक संवत पर। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था बिनोबा भावे ने। अगला सवाल है कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला अगला सवाल है कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है कि पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो आपका उत्तर होगा कल्लर ने। अगला सवाल है कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपको याद रखना है, वह था महमूद गजनवी के शासनकाल में। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है, यह की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने।
अगला सवाल है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपका उत्तर होगा पंजाब के खोखर के विरुद्ध। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।